नमस्कार दोस्तों, मैं अमलिंदर कौर, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल कनाडा, मेडिटेशन टीचर एंड ऑथर ऑफ मेडिटेशन बुक। दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ वाइब्रेशन, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन। दोस्तों, मैंने आपको जो है लॉ ऑफ इमोशंस और लॉ ऑफ थॉट्स एंड लॉ ऑफ फीलिंग्स के बारे में बताया था कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमने काम करवाना है तो उसको उसके साथ कुछ और भी बातों का हमने ख्याल रखना है जो कि हम नहीं रखते, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता और हम निराश हो जाते हैं। कुदरत के जो नियम है वो अटल है। लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते नहीं हैं, तब तक वो नीचे नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि जो चीज़ ऑलरेडी ज़मीन पे पड़ी है वो खुद ही उसे का ऊपर आ जाएगी और फिर नीचे जाएगी। तो हम फिर ऐसा नहीं कह सकते कि लाभ ग्रेविटी काम नहीं करता, जबकि बल्कि हमें लाभ ग्रेविटी को काम करवाना ही नहीं आता। लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अगर आप समझ लेंगे तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि अब तक सभी लोगों को पता चल गया है कि हर चीज़ वाइब्रेट करती है। माइक्रो लेवल पे सॉलिड चीज़ जैसे जो सोफ़ा है, जो प्लांट है, जो टेबल है, मेरा कैमरा है, जो चीज़ें हमें सॉलिड नज़र आती है, जो मेरी आर्म है, आपको लगता है कि अगर इसको मैं मूव नहीं कर रही तो ये मूव नहीं हो रही, पर दोस्तों कंटिन्यूसली इसमें मूवमेंट है। एक वो मूवमेंट है जो हमें दिखाई देती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे न्यूक्लियस के आसपास जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स घूम रहे हैं वो वाइब्रेशन दे रहे हैं हर पल। सो दुनिया की हर चीज़, ब्रह्मांड की हर चीज़, यूनिवर्स की हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है। जब भी हम कुछ सोचते हैं, जहाँ कहते हैं, जहाँ फील करते हैं, तीन चीज़ें आप दोबारा सुन ले। हम मुंह से कुछ कहते हैं, अंदर मन ही मन हम कुछ सोचते हैं, जहाँ अंदर ही अंदर हम फील करते हैं, तो हम एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। वो वाइब्रेशन जब यूनिवर्स में जाती है, ब्रह्मांड में जाती है, एग्जिस्टेंस में जाती है, तो वो मैच होती है उसी तरह की वाइब्रेशन से, और फिर हमें उसी तरह के रिजल्ट मिलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अभी इस वक्त अगर आप इस वक्त अपने आप को दो तरह की थॉट से एक्सपेरिमेंट कीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वाइब्रेशन सिर्फ दो ही तरह की होती है, चाहे वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। सो आपको चूज़ करना है कि आप कौन सी वाइब्रेशन भेजते हैं। मोस्टली हम नेगेटिव वाइब्रेशन ही भेजते हैं। आप अपने आप को एक पहले ऐसा कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कीजिए। आप अपने आप को बोलिए, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। तो देखिए कि जब आपने ऐसा कहा, आपको खुद ही ऐसा अच्छा फील हुआ, आपकी बॉडी जो है फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका जो पूरा फेस का इम्प्रेशन चेंज हो जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन इसके उल्ट अगर आप कहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, तो आप खुद देखें, मैंने बोलकर अपने आप को कैमरे में देख रही हूँ, जब हम ऐसा कहते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारे फेस का इम्प्रेशन चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, हमारी बॉडी जो है उसका पोस्चर चेंज हो जाता है, वो ऐसे हमारी बॉडी जो है डाउन फील करती है। तो क्योंकि हमने नेगेटिव वाइब्रेशन दी, और जितनी नेगेटिव वाइब्रेशन हम भेजेंगे उससे मल्टीप्लाई होकर वापस आएगी। सो अगेन, मैंने एक पहले वीडियो में बोला था स्विच द वर्ड्स। सो आपको अपने शब्दों को स्विच करना है। शब्दों को स्विच करने के लिए आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और सबसे है अच्छा जो वो है मेडिटेशन। आप पाठ कर सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पाठ, पूजा,
ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो उनमें तो इतनी हाई वाइब्रेशन है कि आप पूछिए ही मत, वो अल्टीमेट हाई वाइब्रेशन है। लेकिन अगर आप छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो एफर्मेशन का सहारा लीजिए मेडिटेशन से भी पहले। सो एफर्मेशन हमेशा की तरह आप अपने आप को एफर्मेशन दीजिए, और अगर आपको कस्टम मेड अपने किसी भी इशू से एफर्मेशन चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। पंजाबी हिंदी इंग्लिश म्यूज़िक में और हाई लेवल के म्यूज़िक में आप थोड़ा सा पे करके हमसे एफर्मेशन बना सकते हैं, क्योंकि आजकल एफर्मेशन की हमें इतनी अच्छी फीडबैक आ रही है कि हमें खुद भी यकीन नहीं होता कि एफर्मेशन मैच कितना काम करती है। अगर नहीं तो आप हमारे YouTube वीडियो से आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।